जिला परिषद बिलासपुर की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मंगलवार को बैठक का आयोजन जिला परिषद की अध्यक्षा कुमारी मुस्कान की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान लोगों के बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मसले जिला परिषद सदस्यों ने उठाए, लेकिन अधिकतर विभागों की कार्यप्रणाली से जिला परिषद सदस्य संतुष्ट नहीं दिखे। इस दौरान जिला परिषद सदस्यों ने HRTC, IPH, खनन, उद्योग, स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग के अलावा अन्य विभागों से संबंधित मसले उठाए, लेकिन इस दौरान कई विभागीय कर्मी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। बैठक में खनन विभाग के खिलाफ जमकर रोष जताया गया। जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान ने कहा कि अधिकारियों, कर्मियों को लोगों की समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं यदि कहीं पर कोताही हुई तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू जम्वाल की रिपोर्ट। आप हमारे लोगों के सामान के साथ खेल रहे हैं, पता है आपको, और आप हंस रहे हैं। एक महीना पहले मैंने इनसे एक फाइल मांगी और आज तक वो मैडम के ड्रॉर में है, और मैडम के ड्रॉर से नहीं निकली फाइल। नहीं, आप लोगों ने सोचा क्या है? हदों की यार, हर चीज की हदों। मैं पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा करवा दूंगा, यहाँ कैमरे लगे उनके। और सुनिए, बाहर से जो पत्थर आ रहे हैं वो कैसे आ रहा है? वो तो मंडी से आ रहा है सर। आपने एक भी ट्रक देखा सर? एक मिनट, को कितने चालान किए आपने? आपको मालूम है हर एक टिप पर ओवरलोडेड आ रहा है। डोंट मेक, आप एक्सक्यूज मत दे, मेरे पास पिक्स है, मैं आज ये रिपोर्टर आया, मैं इनको दे दूंगा सारा कुछ। कागज से पत्थर आया, आपको कितनी बार शिकायत गई? आप एक बार गए? नहीं, आप एक बार गए? कहां खड़े आप? हाँ, सर मेरी बात सुनिए, जुगाला घागस से जितनी माइनिंग हुई इस एक महीने के अंदर, मैं आपको टिप पर संख्या दे दूंगा। सबसे पहले तो आज की त्रैमासिक बैठक में जितने भी अधिकारी गण हमारे बैठक में आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं मैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो माननीय सदस्यों द्वारा रखे गए, लेकिन विभाग द्वारा उनका जवाब नहीं दिया गया। कारण ये रहा कि जो अधिकारीगण हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं रहे। इनको हमने आज, हमें भी चुनाव क्षेत्र में जीतकर आए हुए को एक साल हो गया लगभग, और अधिकारीगणों को हमने इतने लेटर्स भिजवाए, इतनी मीटिंगें हुई हमारी, लेकिन उनका वो मौजूद नहीं रहे। लेकिन अब इस बार हम माननीय सदस्यों द्वारा भी ये डिसाइड कर लिया गया है कि अब अगली मीटिंग में यदि कोई अधिकारीगण नहीं आता है तो उन पर तुरंत कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होगी। और आज की मीटिंग में हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि जो अधिकारीगण आए नहीं हैं वो रिटर्न में अपना दें कि हम क्यों नहीं आए हैं, और उनके ऊपर कोई ना कोई कार्यवाही हम जरूर करेंगे, क्योंकि अधिकारियों ने जिला परिषद को एक मजाक समझ के रखा है। यदि वो उन इस तरीके से सोचते हैं कि जिला परिषद एक मजाक है, तो उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा जो डिमांड्स रखी जाती हैं वो पर्सनली हमारी नहीं होती हैं, वो जनता जनार्दन जो हमारे पास समस्याएं बताती हैं वो उनसे रिगार्डिंग होती है, क्योंकि हमें लोगों ने वोट देकर जिताया हुआ है, तो हम सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही बैठे हैं। और अधिकारीगण जो बैठे हुए हैं वो भी मुख्य रूप से लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरा उनसे आग्रह और निवेदन फिर रहेगा कि यदि हमें, हम और वो मिलजुल कर काम करेंगे जिससे लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द सुधर जाएंगी, उनका निपटारा होगा। अगली मीटिंग में वो नहीं आते हैं तो उन पर तुरंत कार्यवाही होगी। उनके ऊपर मैं फिर से कहना चाहूँगी कि लेटर्स तो हमने काफ़ी बार भिजवा लिए, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ, रिस्पांस कुछ नहीं हुआ। वो सोचते हैं कि 3 महीने में एक बैठक होती है, उसके बाद हमें कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन यदि वो ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो उनको बता देना चाहती हूँ मैं, जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे उनको स्पेशल ऑफिस में बुलाया जाएगा, उनसे रिटर्न में लिया जाएगा कि आप क्यों नहीं आए मीटिंग में। सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोगों की जो असुविधाएं, लोगों की जो संभावनाएं हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं, उनको दूर करने के लिए सरकार और पंचायत प्रतिनिधियों हर स्तर पे उनके समस्याओं के निराकरण के लिए आप आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। एक ही बात कही आपने कि जिला परिषद की जो हमारी त्रैमासिक बैठक होती है उसमें पंचायती राज के कम से कम 19 विभाग लाइनबद्ध किए हुए हैं, और हर विभाग का मुखिया यहाँ पर इस बैठक में होना चाहिए। किंतु बड़े खेद का विषय है, हमने बार बार जिला प्रशासन कंपनी, सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और तमाम अपेक्षित अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूँ कि जो भी हम समस्या यहाँ पर रखते हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए सभी अधिकारी दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ एक अधिकारी हैं
जो इस बैठक को गंभीरता से नहीं लेते या उस बैठक की बातों में कोई सक्षम अधिकारी को यहाँ पर नहीं भेजते या औपचारिकता के लिए भेजते हैं, तो वो जो हमने प्रश्न, जो लोगों की जन समस्याएँ हैं, जो उन्होंने प्रश्नकाल में उनको रेज किया है, उन समस्याओं का कोई समाधान लेकर उन अधिकारियों को नहीं भेजा जाता, कर्मचारियों को नहीं भेजा जाता, ये बड़ा खेद का विषय है। हमने माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से ये निवेदन कर दिया जिला प्रशासन से भी, और आज हम एक रेजुलेशन इसके रिगार्डिंग इससे संबंधित डालने जा रहे हैं कि प्रत्येक बैठक में, त्रैमासिक बैठक में संबंधित अधिकारी और सक्षम अधिकारी वहाँ पर उस बैठक में उपस्थित हो, अन्यथा हम जो है जिला परिषद बिलासपुर इन ऐसे गैर जिम्मेदाराना और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेंगे। और जो भी, क्योंकि हमारा जो प्रमुख ध्येय है वो लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, और इस समस्याओं के निराकरण के लिए हमने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी, तो हम भी चाहेंगे कि हम जिला प्रशासन का भी तन मन धन से दिन रात समर्थन करने को तैयार हैं, किंतु जिला क्यों नहीं इक्के दुक्के, और उनको अगर अब हमने बोल दिया, अगली बैठक में अगर वो नदारद डाले पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ़ हम बहुत कड़ा एक्शन लेंगे।